जब हम ग्रास रूट रियलिटी देखते हैं तो ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो हम मुआयना कर सकते हैं जिनका। मिसाल के तौर पर 1975 में एक गवर्नमेंट रिपोर्ट प्रिंट हुई थी, स्टेटस ऑफ विमेन इन इस्लाम। इसके पेजेस 66 और 67 पर हम देखते हैं कि रिपोर्ट में कोट किया गया था कि 1951 से लेकर 1961 के पीरियड में, ये 10 साल में, कितने लोगों ने एक से ज़्यादा शादी की, व्हाट परसेंटेज। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम्स में 4.35% मुसलमानों ने किया और हिंदुओं में 5.06% ने किया, यानी मुस्लिम से ज़्यादा। हालांकि 1954 में हिंदूज के लिए प्रोहिबिट हो चुका था अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके अंदर बाइगमी क्राइम है, यानी कि अगर कोई हिंदू एक से ज़्यादा शादी करे तो वो उसके लिए क्राइम होता है। हम उसमें और आगे बढ़ते हैं तो 1961 के सेंसस में हमें पता चला कि 5.8% हिंदुओं की एक से ज़्यादा बीवी थी, 5.6% मुस्लिम्स की थी। फिर भी हिंदूस कुछ ज़्यादा थे अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। लेकिन कुछ और भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हमें उस सेंसस से पता चले। क्या है? आदिवासीज में 15.25% आदिवासियों में पॉलीगमी प्रैक्टिस होती थी, 15.25%, और बुद्धिस्ट में 7.9%। बल्कि उस पूरे चार्ट में आपको सबसे बॉटम पे मुस्लिम्स मिलेंगे। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो 1971 की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर हमें मिलता है 1971 के सेंसस के मुताबिक 5.7% मुस्लिम्स ने पॉलीगमी की और 5.8% हिंदूज ने पॉलीगमी की। जब ये फिगर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1971 की पॉपुलेशन फिगर्स को ध्यान में रखते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने रिसेंटली इस इशू को मेंशन किया था कि वो टाइम पर 1 करोड़ हिंदू थे जिनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ थी 1971 में, और उनके कंपैरिजन में 12 लाख ऐसे मुसलमान थे जिनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ थी। यानी कि अगर आप प्रैक्टिकल एक्शन के तौर पर देखें तो मुस्लिम माशरे में ये चीज़ बहुत कम प्रैक्टिस होती है।